छोड़ा है आपने मेरा को अपनी बहन के यहाँ? छोड़ा है। आपको क्या लगता है कि मैं वहां नहीं जा सकती? अभी जाके उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी ना कि याद रखेगी। बेटा सरे बाजार बाप की इज्जत उछालना कब बंद करोगी तुम? और जिनकी तुम बात कर रही हो वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, तुम्हारी फूफी भी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वहां जा सकती हूँ और अभी जाके उसको उसकी औकात याद दिला के आऊंगी। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, और अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाने की तुमने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं डैड? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है। निम्रा बासित से प्यार नहीं करती और ये बात बासित जानता है, इसलिए वो शादी के लिए खुद ही इनकार कर देगा। बासित ही उससे निकाह करना चाहता है। और अगर वो दो बच्चे आपस में शादी करके खुश रह सकते हैं तो क्यों ना रहे, उनका हक है। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, आप हमेशा से मेरे साथ गलत करते आए। छोटी सी थी, मॉम चले गई, मैं और समरीन यहाँ पे साथ सोया करते थे, और अब मॉम और निम्रा को ले आए। समरीन तो छोटी थी, वो भूल गई। मॉम निम्रा को गले लगा लिया करती थी, लेकिन मुझे गले तो वो तुम्हें भी लगाती थी बेटा, लेकिन मेरी सगी माँ तो नहीं थी ना। माँ से बढ़ के उसने तुम्हें संभाला है। तुम्हारी सगी माँ तुम्हें पैदा करके चली गई इस दुनिया से, लेकिन तुम्हें पाला उसी ने। तुम्हारे दिल में बॉस का बीज है उसके लिए। सारा इल्जाम मुझे ही देते, बस मैं ही गलत हूं, मैं ही खराब हूं। ठीक है, नहीं देता, लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं मान लेती इसको? अल्लाह की रजा क्यों नहीं समझ लेती कि अल्लाह पाक ही ये चाहते हैं? इसमें किसी की मर्जी नहीं है, सिर्फ आपकी साजिश है। मत करो सब पे शक, तस्लीम करो जो कुदरत करना चाहती है, बड़ा करो अपना दिल सबके लिए। ठीक है, मत तो मेरे लिए दुखी, सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझसे शिकायत करें और मुझे ही बुरा भला बोले। संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AY Digital का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।